जो भी कैरेक्टर आपको दिया है उसके अंदर आप अपने जीवन का, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें उतर आइए, पर आपका कुछ उसमें जरूर सांस लेनी चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर्स और एक्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्या, सारे एक्टर्स कास्टिंग डायरेक्टर्स को उतने क्लोज नहीं, ना वो टाइम स्पेंड करते ना ही दूसरे को जानते। यहाँ पर एक चलन है कि अगर बिहार की फिल्म बन रही है तो आकाश को बुला लो, दिल्ली बेस्ड फिल्म को उसको बुला लो, यूपी बेस्ड फिल्म है जो जहाँ से वो तो अपना शॉर्टकट जो भी अपनाते हैं। तो मैं यही देखता हूँ कि वो क्या इस चीज़ को समझ पा रहा है जब उसको एक कैरेक्टर दिया जा रहा है, ये आप जब ऑडिशन भी लिया तो क्या वो वाली चीज़ कर पा रहे हैं कि उतने से वक्त में अपना कुछ मुझे दे पा रहा है, वो जो 8-10 लाइनें होती हैं आपके पास उसको उस पल में पढ़ के उस मोमेंट को देख के क्या अपना कुछ आप दे पा रहे हैं। अगर वो आ जाता है तो मुझे लगता है वो एक्टर वर्क कर जाएगा, अगर नहीं देख पा रहे तो मुझे लगता है नहीं कोई और। तनुवेश का एक कैरेक्टर जो था वो बिल्कुल एक अलग था, जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि कंगना इस तरह की हो सकती है। हाँ, तो आपके अंदर वो चीज़, आपने क्यों कंगना को उस चीज़ के लिए देखा और क्यों ऐसा लगा कि कंगना ही ये रोल कर सकती है? सर, मुझे एक मेंटल स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी, ये जानना पड़ा कि मैं कौन से एक्टर के पास जाऊँ जिसको इस तरह के कैरेक्टर की भूख, जिसने कभी काम नहीं किया तो आपने उसको ऑडिशन देखा, आपको ऑडिशन में लगा कि ठीक है, उसके लिए आप कैसे उसे जज करेंगे कि ये इस लेवल तक परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ऑडिशन अच्छा दिया बट पहली चीज़ मैं एक्टर्स जज नहीं करता, मैं उनके साथ काम करता हूँ, आई डोंट जज एक्टर्स। और अगर मैंने ये तय किया है कि कास्ट करके मेरी पूरी टीम ने किए, फिर मैं उनके साथ काम करता, फिर वो भी मेरे साथ काम करता, फिर वो लेवल जो उनका लेवल है वही मेरा। Give me a good shot or give me a bad shot. Don't give me a fake shot. नकली शॉट मत, बुरा दे दो, अच्छा दो या बुरा दो, नकली मत।